मोदी सर ने मामला आसंता एप्रिल 13 जाए राहुल गांधी को जमीन अवधि वृद्धि जमीन आवेदन वृद्धि करिसंती सुरट सेशंस कोर्ट से ही दिन पुणी जमीन नहीं कोर्ट रे हेबो सुनानी सेपटे मे 3 रे दंड विरोध रे आवेदन न हेबो सुनानी आज दंडादेश विरोध रे सुरट सेशंस कोर्ट रे कड़ा सुरक्षा बळय रे पहुंचिथिले राहुल तांको स उपस्थित थिले दलर बहु हेवीवेट तबे मोदी सर ने मामलें आसंता एप्रिल 13 जाए राहुल गांधी जमीन अवधि को वृद्धि करमीन आवेदन वृद्धि करिसंती सुरटर सेसन्स कोर्ट से ही दिन पुणी जमीन नहीं कोर्टे शुणी हेबो मे 3 रे दंड विरोध रे आवेदन हेबो शुणी आज दंडादेश विरोध रे सुरट सेसन्स कोर्ट रे कड़ा सुरक्षा बळय रे पहुंचिथिले राहुल गांधी तांको सह रहिथिले प्रियंका गांधी एवं दलर बहु हेवीवेट मध्य रहिथिले आज जो है वो उनकी बेल के थी आज राहुल जी की बेल एप्लीकेशन और सेंटेंसिंग जो है उसको स्टे की एप्लीकेशन थी और एप्लीकेशन भी थी कोर्ट ने हमारी सुनवाई से एप्लीकेशन जो बेल एप्लीकेशन है वो मंजूर की है 15,000 के उनके बेल मंजूर किए हैं और जो सेंटेंसिंग है उसको स्टे किया है उनकी जो कन्विक्शन की जो एप्लीकेशन है स्टे के लिए उसको 13th डेट को पोस्ट किया है और 13 को उसकी सुनवाई होगी 13 तारीख को राहुल गांधी जी को हाजिर रखने की मनाई की है कि वो नहीं आएंगे तो चलेगा डिस्क्वालिफिकेशन का उनका जो मामला है इसलिए ही हमने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला है इसीलिए ये कन्विक्शन की जो स्टे एप्लीकेशन है वो जरूरी है और इसीलिए उसको रखवाया है और 13 को वो रहेगा उसके बाद के ऊपर जो सुनवाई होगी और जो फैसला होगा उसके बाद उनके सभासद का जो है वो निर्णय होगा नहीं बस वो तो जब राहुल जी कोर्ट में आए उससे पहले जज साहब कोर्ट में उन्होंने ऑलरेडी अपना पेपर्स पढ़ लिया था कोर्ट के पेपर्स देख लिए थे और उनके आने के बाद चीमा जी जो सीनियर काउंसिल आए थे उन्होंने बात करी कि ये हमारे लिए ये इसको थोड़ा जल्दी अगर हो सकता है क्योंकि वक्त कम है तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी आप अगर कोर्ट को जिस तारीख की है वो दे तो फिर कोर्ट ने उनको 13 अप्रैल का डेट दिया और 10 तारीख तक सामने वाले को अपना जवाब देना है। आज की जो कोर्ट कार्यवाही हुई है इसमें ज्यादा कोई दलीलों की के ज्यादा आर्गुमेंट की गुंजाइश नहीं थी। इसकी वजह ये है कि जो 2 साल की सजा है उसके पर अपील है एज अ मैटर ऑफ कोर्स दाखिल होती है तो इसमें ज्यादा दलील की कोई अवकाश की गुंजाइश नहीं थी। 2 साल की सजा में जामीन जमानत देना वो में भी एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि 3 साल तक की सजा तो जमानत मिल जाती है बेल ग्रांट होता है तो दो चीज़ों में कोई एप्लीकेशन के अलावा कोई आर्गुमेंट का कोई दलील का अवकाश नहीं था हुआ ही नहीं। कोर्ट ने ऑर्डिनरी कोर्स में अपील एडमिट किया है और जमानत दे दी है। जमान अभी जो बाकी रह गया वो यही सवाल है कि राहुल जी को सांसद वापस देना नहीं देना कन्विक्शन को सस्पेंड करना है कि नहीं करना दोषित को पर स्टे देना ही नहीं दे वो जो एप्लीकेशन है उस पर हमारे वकील ने बताया कि हमारी सुनवाई आज ही कर लो कोर्ट ने तो आज सुन ही नहीं सकती थी आज कोई कंप्लेनेंट का फरियादी का वकील हाजिर नहीं था फरियादी नहीं थे तो कोर्ट ने नोटिस किया है फरियादी को कंप्लेनेंट को नोटिस दिए बताया गया है कि 13 तारीख को सुनवाई होगी 10 तारीख तक फरियादी को जो भी हलफनामा दाखिल करना है जो भी जवाब देना है जो रिप्लाई करना है एप्लीकेशन उसका टाइम 10 तारीख तक दिया गया है और 13 तारीख को अभी राहुल जी का सांसद पद वापस आएगा कि नहीं आएगा उस सुनवाई होगी।